सुबह का दार्जिलिंग तो देख लिया, अभी रात में देखते हैं दार्जिलिंग की नाइट लाइफ कैसी है। चलो आज हम यहाँ के कलरफुल मार्केट्स, स्ट्रीट फूड और कुछ हेरिटेज शॉप्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये मॉल रोड जाते वक्त एक मंदिर है। जिस होटल पे हम रुके थे उसका नाम था पाइन व्यू होटल और वो मॉल रोड के ठीक नीचे ही था, तो वहाँ से बस 10 मिनट वॉक करते हुए हम मॉल रोड पहुँच गए। ये कलरफुल शॉप सभी मॉल रोड के स्टार्टिंग पॉइंट में मिले। विंटर कलेक्शन तो जबरदस्त था और प्राइसेस सिर्फ 100 रुपए से स्टार्ट हो रहे थे। चाहे आप शिमला मनाली या दार्जिलिंग जाओ, मॉल रोड घूमने की एक्साइटमेंट अलग ही रहती है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी दार्जिलिंग सीरीज की 2 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, जिसका फर्स्ट पार्ट है तिनचुले और लामाहाटा के ऊपर और सेकंड पार्ट है दार्जिलिंग टूर प्लान के ऊपर, तो वो वीडियोस मिस मत कीजिए। दार्जिलिंग की हर तरह की चाय आपको यहीं पे मिल जाएगी, आप अंदर जाके मेन्यू से ऑर्डर करके चाय पी सकते हो। यहाँ पे गोल्डन टिप सिंस 1933। चाय के तो काफी वैरायटी है ये पता था, बट ग्रीन टी के इतने वैरायटी होंगे ये देख के तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई। जैसी वैरायटी वैसे ही इसकी क्वालिटी और प्राइसेस, लिटरली आप इसको चाय की म्यूजियम बोल सकते हो। अगर आपको ये जगह प्राइसी लगा तो कोई बात नहीं, मॉल रोड पे कई जगह में दार्जिलिंग टी बिकती है। क्राउड के बिना क्या मजा। वेल, यहाँ तक आए हैं तो बिना दार्जिलिंग टी पिए तो नहीं जाएंगे। आपको भी पीना साफ कर। ये बिना चीनी का भाई नहीं। ये 100 रुपए के मिल रहे हैं, मैंने सोचा ले लो, मस्टर्ड कलर है, सारे ड्रेसेस के साथ तो रह जाएगा, बट देखने में अच्छा लग रहा है। मॉल रोड में विंटर्स में आने का मजा ये है कि यहाँ की विंटर कलेक्शन जबरदस्त होती है। ये वाला एंगल बहुत सही लग रहा है, क्लॉक टावर भी दिख रहा है, और फिलहाल अभी तो जैन चल रहा है और विंटर कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त है मॉल रोड में। चाहे पॉन्चोज हो, स्वेटर्स हो, जैकेट्स हो, ओवरकोट्स हो, कुछ भी आपको लेना है, स्टोल्स वगैरह, कलेक्शन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है और दमदार सेल चल रहा है, क्योंकि अभी ये लोग क्लियरेंस सेल लगा के बेच रहे हैं, स्टॉक्स क्लियर कर रहे हैं, तो काफी सारे अच्छी अच्छी चीजें हैं। 2-4 जगह में मैं घुसी भी, वो तो आप देख लोगे इसमें, बट अगर आप आ रहे हो विंटर कलेक्शन कुछ तो यहाँ से शॉपिंग करके जरूर जाना। मॉल रोड पे हमें ATM बस एक ही जगह दिखा जो था SBI का, जहाँ स्टैचू बना है उसके ठीक राइट साइड पे आपको ATM मिल जाएगा। कौन कह रहा है ऑफ सीजन है, मॉल रोड तो वैसे का वैसे ही भीड़ है। रात को ठंड करीब करीब अभी 6 या 7 डिग्री तक ड्रॉप हो चुका है, तो अगर मैं दार्जिलिंग नाइट लाइफ की बात करूँ तो हम लोग अभी मॉल रोड में, मॉल रोड में सब कुछ हमने एक्सप्लोर किया। ग्लेनरीज जो हाइलाइट्स हैं यहाँ पे, ग्लेनरीज, स्कैवेंजर्स, लाइक वो काफ़ी पुराने ज़माने का 1855 का ग्लेनरीज, अगर आप यहाँ पे आते हो तो ग्लेनरीज में लंच या डिनर या स्नैक्स कुछ भी करना तो बहुत ही ज़रूरी है। ये है वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स ऑफ दार्जिलिंग मॉल रोड, ग्लेनरीज, एस्टेब्लिश्ड एट 1885। अंदर जाएंगे, चेकआउट करेंगे, मेनू वगैरह देखते हैं क्या खा सकते हैं। आई होप कि ज़्यादा रश ना हो। ग्लेनरीज के पास जाते ही वो एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, ऑफकोर्स सब लोग होप जहाँ पे लिखा है उसके सामने फोटो खींचते हैं। और ग्लेनरीज के ऊपर वाले सेक्शन में डाइनिंग एरिया है जहाँ पे आप जाके बहुत तरह के डिशेज या क्विजिन्स आप ट्राई कर सकते हो। और नीचे है बेकरी सेक्शन, जो मेरा फेवरेट सेक्शन था, क्योंकि वहाँ पे हर तरह की बेकरी आइटम्स आपको मिल जाएगी और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। तो जब भी आप दार्जिलिंग मॉल रोड में आओ, ग्लेनरीज को मत मिस कीजिए। Look at the size of the brownie. Brownie की size देखे, ये ले लेते हैं, चलो that's it. And this is custard donut. Wow, awesome. ये भी एक ले लेते हैं, बस that's it. दार्जिलिंग ग्लेनरीज की वाइब ही अलग है ब्रो। मॉल रोड घूमने का मेरा सबसे बड़ा रीजन यही था कि मैं ग्लेनरीज में आऊं और यहाँ पे बैठ के चिल करूं। ग्लेनरीज का एक आउटडोर कैफे भी है, अगर दिन में आप जाओ तो वहाँ पे बैठ के बहुत मजा आएगा, पर इतनी ठंड में हम अंदर ही ठीक थे। स्कैवेंजर्स इन मॉल रोड इज मोस्टली रेकमेंडेड फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकफास्ट प्लेटर बहुत ही सही मिलता है। जब भी आप मॉल रोड में आओ, ग्लेनरीज, स्कैवेंजर्स, ये दो जगह बिल्कुल मिस मत करना।
चंदूलाल एक्सपोर्ट। तो यहाँ से हम लोगों ने ये दो ओवरकोट्स लिए, मैंने एक ऑलरेडी ले लिया, ये सारे हैं मेड इन इंडिया, मेड इन लुधियाना एंड दे आर ऑफ गुड क्वालिटी। ये तो 2000 है फिलहाल, बट आप जब भी आओगे वो प्राइजेस ऊपर भी हो सकते हैं, वो सीजन टू सीजन डिपेंड करता है। और ये कहाँ है, मॉल रोड के ठीक बीच में, ग्लेनरीज के बाद ही। प्लानिंग ऑन बाइंग दिस फॉर माई मॉम एंड आई बॉट द ऑफ वाइट वन फॉर मी। क्वालिटी भी बहुत सही है। ओके सर, ये दार्जिलिंग फार्मेसी के ऑपोजिट में चंदूलाल एक्सपोर्ट। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे सारे कलेक्शन है जैकेट्स के, ओवरकोट्स के, फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। यू गेट दिस लवली जैकेट्स मेड इन इंडिया। थैंक यू, एटा धरो टाकाटा देछे। हो गई काफी विंटर की शॉपिंग, सब 250, 150, 300 में घर पे पहनने के लिए स्टॉल्स वगैरह बहुत सही रेट में आपको दार्जिलिंग मॉल में मिल जाएगा। बट ये मॉल के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में बाहर तरफ ना, बट सही रेट में आपको मिल जाएगा। सब सामान घुसाने के लिए एक बैग लेना पड़ा है भाई, इतना ज़्यादा सामान हो गया, बट 200 में ये आ गया। विंटर नाइट्स में दार्जिलिंग की टेम्परेचर इतनी ड्रॉप कर जाती है कि मार्केट भी ज़्यादा देर रात तक खुली नहीं रहती। तो अगर आप मॉल रोड प्लान कर रहे हो, आप शाम के टाइम पे ही निकल जाओ। हमारी दार्जिलिंग की ट्रिप 2 days और 3 nights की थी। दिन में हम सारे टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे थे और दोनों के दोनों रात हम मॉल रोड एक्सप्लोर करने निकल गए। और मॉल रोड से बस कुछ ही कदम दूर था क्लॉक टावर। दिन में भी हम कई बार क्लॉक टावर के वहीं से गुजरे, बट हमने इसे नोटिस ही नहीं किया अंटिल हम वॉक करके गए, तो हमें ये बहुत सही से दिख रहा था। और ये क्लॉक टावर के ठीक पास है रमाडा। मॉल रोड में स्ट्रीट फूड के अनलिमिटेड ऑप्शन है, यहाँ आके मोमोज तो खाना बनता ही है बॉस। गोल्डन टिप्स का एक और ब्रांच है, बट ये कहीं और है, उससे दूर है, ग्लेनरीज वाला रास्ता जो है वो पकड़ना पड़ेगा। तो चलो आज का हमारा सफर बस यही तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।